नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बायस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आरती। कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है, पर शहरवासियों में इसका तनिक भी खौफ नहीं है। लोग कोरोना गाइडलाइन भी भूल चुके हैं, मास्क पहनना तो पुरानी बातें हो गई हैं। ऐसे में लोग कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग सावधान नहीं हैं। राज्य में पिछले 19 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क पहनना तो जैसे भूल गए हैं। यहां तक कि कोरोना गाइडलाइन भी अब लोगों को याद नहीं है। हम आपको बता दें कि ऑटो स्टैंड, बाजार से लेकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि अस्पताल में भी लोग आपको बिना मास्क के नजर आ जाएंगे। साथ ही शारीरिक दूरी तो लोग भूल ही गए हैं। ऐसे में रांची वासियों का कहना है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, वे लोग फिर से कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। लोगों को अब कोरोना की तीसरे लहर से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। कोरोना जिस तरह से देखा गया, आप दूसरी लहर का जिस तरह से उसका प्रभाव था, वैसे अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। थर्ड स्टेज में भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो कोरोना से जो मौत हुई है पहले, उसमें बढ़ोतरी हो की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें यही है, जो भी पहले का जो प्रिवेंशन था, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन, ये चार मेथड के द्वारा हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लापरवाही बरती रही है, तो वो तो खुद को भी असुरक्षित कर रहे हैं और जिसके संपर्क में आ रहे हैं उसको भी असुरक्षित कर रहे हैं। तो इसमें तो पब्लिक का जो भी कॉमन सेंस है, वो चीज़ को उसको यूज करना चाहिए, मास्क वगैरह यूज करना चाहिए। मगर इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है को उनको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है, कृपया लापरवाही ना बरतें। कोरोना के मामले में अब वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसको लेकर एम्स के डॉक्टर देवेश कुमार बताते हैं कि भीड़ बढ़ने से कोरोना के संक्रमितों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस शहर में लोगों का आना जाना ज्यादा रहेगा, वहां कोरोना होने की संभावना भी अधिक रहेगी। ऐसे में कोरोना की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए। लोगों को खुद सक्रिय होकर वैक्सीन की दोनों डोज लेनी चाहिए और कोविड गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए, तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। अपने को तैयार रहना, इस पैंडेमिक के लिए भी शायद हम लोग नहीं तैयार थे, इसलिए शायद उतनी अच्छी से इस चीज़ से लड़ नहीं सके। तो इसलिए हमें थर्ड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए और आम जनता से यही कहना है हमें कि सावधानी ही बचाव है। आपको जो बेसिक्स हैं कोविड के लिए वो अपनाना है और वैक्सीनेट, मतलब यदि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आप वैक्सीनेशन जितना जल्दी ले सके, ताकि कुछ प्रोटेक्शन आपके अंदर में आ जाए और यदि थर्ड वेव आता भी है कोई नया म्यूटेंट स्ट्रेन से, तो उससे लड़ने की ताकत आप में। झारखंड में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। एक ओर दुर्गा पूजा को लेकर बाजार में भीड़ भाड़ का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के द्वारा लापरवाही भी देखने को मिल रही है। ना ही लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या इस तरह की लापरवाही करके लोग कोरोना की जंग जीतना चाहते हैं? कैमरा सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।